फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कुमार और आप सभी का टेक्निकल कुमार में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम काइन मास्टर से जो यूट्यूब वीडियोस के इंट्रोज होते हैं उसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी से पूरी अच्छी समझ में आ जाए कि इंट्रोज कैसे बनाएंगे बिना किसी ऐप्स के, केवल काइन मास्टर की सहायता से। तो यह है मेरा जो काइन मास्टर है, यहाँ पर ओपन हो चुका है काइन मास्टर, आप देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस बटन पर क्लिक किए होंगे तो आपको यहाँ पे चूज करने को मिला होगा रेशियो, कितने रेशियो में आप अपने वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप जो भी वीडियोस के रेशियो चूज करना है उसे चूज कर लें। उसके बाद से चूज करने के बाद आपसे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड कलर है उसे चूज कर लें। बैकग्राउंड कलर कोई भी ले लें आप, जैसे भी बैकग्राउंड कलर सही। चलिए हम इसे ही ले लेते हैं। उसके बाद से आप ओके पर एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इसमें कोई भी, इसे प्ले करके एक बार आप देख लें तो ऐसे ही दोस्तों प्ले होगा, ठीक है। अब चलिए इसमें हम कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं, जैसे कोई भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है उसे टेक्स्ट ऐड करके देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें चूज कर लेना है जो भी वर्ड आपको लिखना है वो लिख लीजिए आप, ठीक है। तो जैसे लिख लेते हैं हम वेलकम टू माई चैनल लिख लिए यहाँ पे, वेलकम टू माई चैनल लिख लिए। अब चलिए इसे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा टेक्स्ट साइज हम बड़ा कर लेते हैं। इसका कलर चेंज करना होता है, यहाँ पे आप कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर कलर क्लिक करके आप जो भी कलर चाहिए कलर चूज कर लें। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करके इसका जो फॉन्ट कलर, फॉन्ट का साइज होता है, फॉन्ट का जो साइज होता है और फॉन्ट किस कलर में चाहिए, जैसे फॉन्ट कैसे चाहिए, एरियल या सब या फिर कोई भी जो फॉन्ट चाहिए उस पर आप क्लिक कर दें, चूज कर लें। उसके बाद से चलिए इसे प्ले करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सिंपली प्ले हो रहा है। अब एक बार आपको इस पर क्लिक कर देना है, इतना दूर जो ऑप्शन है उस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए एक बार। क्लिक करने के बाद आपको चूज कर लेना है इन एनिमेशन, ठीक है। इन एनिमेशन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर की स्लाइड करिएगा तो मिलेगा वीप राइट, ठीक है। अब चलिए इसे प्ले करके यहाँ से देख लेते हैं वीप राइट ऐसे आ रहा है वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। इसका स्पीड इधर करेंगे तो बढ़ जाएगा, इधर करेंगे तो थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो जैसे चाहे आप कर ले, 1.5 जैसे रखना चाहे वैसे रख ले। चलिए अब इसे प्ले करके हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करके, ठीक है। वेलकम टू माय चैनल हो गया। अब इसके नीचे हम कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसे वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कुमार, ये सभी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसे भी हम लिख लेते हैं। फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैनल का जो भी आप नेम लिखना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं, जैसे वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल, ठीक है। अब आ गया। अब इसे थोड़ा नीचे कर लें, थोड़ा इधर कर लें इसके साइज में, ठीक है। अब इसे जो भी कलर आप चाहें कलर चूज कर लें अपने हिसाब से। वही काम सेम टू सेम करना है, जो नोटो यहाँ पर सरफेस बोल्ड इटैलिक था उसे चूज कर लें। उसके बाद सीन एनिमेशन में आके आपको स्लाइड विप राइट जो था विप राइट पे एक बार क्लिक कर दें। अब चलिए इसे फिर से प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो हो गया वैसे, या फिर चाहे आप जो टेक्स्ट था उसे आउट एनिमेशन में डाल के जो लास्ट के समय आएगा वैसे आएगा, यहाँ पे काउंटर क्लॉक वाइज जैसे लास्ट के समय में, ठीक है, ऐसे हटेगा जो मतलब। देखिए प्ले करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरी वीडियो का शुरुआत होगा वेलकम टू माय चैनल जैसे, इसे भी कर लें, इसके भी वहीं कर लेते हैं काउंटर वाला। इसका स्पीड इधर कम कर देते हैं या फिर इधर स्पीड तेज हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब चलिए फिर से प्ले कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से अगर इसमें हम कोई इन एनिमेशन यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन में लगाना चाहते हैं, जैसे फ्लिकर या फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ब्लिंक स्लो, आप देख रहे हैं एनिमेशन में, ठीक है, या फिर जिटर, फाउंटेन, जैसे भी आप चाहे वैसे लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर ड्रिफ्टिंग, स्क्वीजिंग, जैसे आप चाहे वैसे लगा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए यहीं हम ऐड कर लेते हैं, फिर रिंग है। अब इसके बाद इसे भी हम जाकर ओवरऑल एनिमेशन में जाकर और जाकर यहाँ पे जो ड्रिफ्टिंग था उसे भी सेट कर लेते हैं। अब चलिए प्ले करके एक बार देख लेते हैं।
ठीक है। तो ऐसे आप वीडियोज़ के शुरुआत में जो इंट्रो जो है ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही ढेर सारे टेक्निकल संबंधित वीडियो को लेकर। आप चाहते इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे जो एक्सपोर्ट ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके और यहाँ पे आप ऐसे HD में 720 पिक्सल में आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके, ठीक है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपका जो वीडियो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद आप इसे प्ले करके देख ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से प्ले कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।